मरिंका शहर में घूम रहे हैं रूस और यूक्रेन के टैंक्स, खंडहर बन चुके हैं। शहर में जबरदस्त जंग जारी है। इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर टैंक से हमला, रूसी सेना ने टैंक से दागे ताबड़तोड़ गोले। अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। रमजान कादिरोव ने, उनके लड़ाकों ने किया युद्ध अभ्यास, पश्चिमी टैंकों को ध्वस्त करने का अभ्यास किया, एमटीएलबी बख्तरबंद वाहनों को बनाया निशाना। कादिरोव ने कहा हमारे निशाने पर होंगे लेपर्ड अब्राम टैंक, अब्राम्स और लेपर्ड को बनाएंगे हम निशाना, यह कहा रमजान कादिरोव ने। एमटीएलबी बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया गया। यह तस्वीरें देखिए जरा बहुत ध्यान से, और उसके बाद ये तीनों तस्वीरें और तीनों अहम खबरें आपके सामने स्क्रीन पर होंगी। इस तस्वीर को जरा फुल फ्रेम दिखाइए, ये तस्वीर देखिए जरा। और यही बात इस यलगार जिसका डिस्कशन हम कुछ ही देर में करने वाले हैं, उस यलगार के बोलते समय, उस यलगार की पुकार के समय पुतिन ने भी कही है कि जहां तक ये टैंक्स होंगे वहां तक रूस की अब सीमा होगी। ये बातें जब कही जा रही हैं और रमजान कादिरोव भी ये कह रहे हैं, तो क्या एक यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है? और उसके बारे में क्या कादिरोव से लेकर हर एक सैनिक तक ब्रीफिंग भी पहुंचा दी गई है? और क्या अब एक स्ट्रैटेजी के तहत इन टैंकों से निपटने के बारे में रशिया सोच चुका है?